पप्पू तुम कभी पढ़ते भी हो? हाँ मैडम। मैंने तो कभी नहीं देखा। मैडम आप नहाती हो? हाँ क्यों? मैंने तो कभी नहीं देखा। क्या? ये चेहरे की हकीकत दुनिया कहाँ जानती है। मैं कल रात परेशान था, ये बात सिर्फ मेरी माँ जानती है। बात हमेशा याद रखना, मैं दुनिया भूल सकता हूँ लेकिन तुम्हें नहीं। तेनू पता ही। जिसे निभा ना सकूं ऐसा वादा नहीं करता, मैं बातें अपनी औकात से ज्यादा नहीं करता। भले ही तमन्ना है आसमान छू जाने की, पर दूसरों को गिराकर खुद बढ़ जाने की इरादा नहीं रखता। खामोशियां बोल देती है जिनकी बातें नहीं होती, इश्क तो वो भी करते हैं जिनकी मुलाकातें नहीं होती। अभी वक्त खराब है इसलिए झुक रहा हूँ, जब दिमाग खराब होगा तो सबका हिसाब होगा। छुपाई खेलते, अगर तुमने मुझे ढूंढ लिया तब अपन शॉपिंग पे चलेंगे। और अगर नहीं ढूंढा तो? ऐसे मत बोलो ना बेबी, मैं ये कार के पीछे छुपूंगी। नाराज हो हमसे? हाँ। इतनी नहीं मिली तो इतना गुस्सा? कल को कोई दूसरा हमें ब्याह ले गया तो? दुनिया में माल की कमी थोड़े है, दूसरा पटाएंगे। यार एक बात बता, लड़कियों को शादी में घूंघट में क्यों रखा जाता है? ताकि कोई ये ना कह दे अबे ये तो मेरी वाली है। मैं तो प्यार कर रहा था पर उसने तो मजाक समझ के बैठा। मैं सब समझ दिया, तू जवाब समझ के बैठा, तू वक्त नहीं दिन। सुनो एक गेम खेलते हैं, मैं जो अल्फाबेट बोलूंगा उसका नेक्स्ट वाला तुम बोलो। ऐसा क्यों? अरे गेम है, स्टार्ट तो करो तुम। ओके। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई लव यू मंगाए ही दुआ में। सुना है बहुत घमंड है तुम में, कभी आओ मिलने। क्या भाई कहाँ जा रहा है? अल्लाह के घर यानी मस्जिद। हाँ भाई लगता है अकेला हो गया। हाँ हाँ सबने ठुकरा दिया, अब वो ही अपनाएगा। या रब्बल आलमीन अल्लाहु अल्लाह सल्ली अला ताहा। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, कुछ लोग सैड स्टेटस इसलिए नहीं डालते क्योंकि वो सैड होते हैं, बल्कि इसीलिए डालते हैं क्योंकि उन्हें ये सब करने का शौक है। क्यों भाई? हटूंगा
अबे यार तू क्यों परेशान है यार? मेरी मुर्गी मर गई। अबे मेरे दादाजी मर गए, मैं तब नहीं रोया। तेरे दादाजी अंडे देते थे? किस्मत ने सबसे ज्यादा जिसको रुलाया है, उसी ने स्कूल कॉलेज में लोगों को सबसे ज्यादा हंसाया है। अली भाई। जी भाई। मुसलमान की पहली कामयाबी क्या है? फजर की नमाज। चल जाता है, लेकिन जाने से पहले एक बात बोलेगा, ये गेम अपुन लोग का बीच में है, इसमें फैमिली का कोई काम नहीं। तुम लोग अपुन की फैमिली से दूर रहो, अपुन तुम लोग की फैमिली से दूर रहेगा। अगर कोई आपसे कहे कि मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा तो ट्रस्ट बाद में करना, पहले स्क्रीनशॉट ले लेना। अपन दोस्ती के नाम पर धब्बा निकला। ए, अरे छोड़ना, रात गई बात गई, एक ही बात को बर्तन की तरह मांझ रहे है। अरे रो भाई, गुरा है तेरे पे सेट नहीं होता है, भाभी क्या सोचेगी? गर्लफ्रेंड के होठों पे शहद लगा के किस करने से खांसी ठीक हो जाती है। ये किस डॉक्टर ने बोला तुम्हें? डॉक्टर इमरान हाशमी। मैंने जिंदगी में बहुत कुछ गलत किया है, पर किसी की दिल से बताई हुई बातों को कभी इधर से उधर नहीं किया है। दोस्ती के बाद मोहब्बत हो सकती है, लेकिन मोहब्बत के बाद दोस्ती नहीं। दवा मरने के पहले काम आती है, मरने के बाद नहीं। तुम कभी नहीं सुधरोगे। काय को सुधरे, ये दुनिया बहुत बिगड़ी हुई है गायतोंडे साहब। आए, इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए बिगड़ा हुआ होना बहुत जरूरी है। अब जरूरत है कुछ नए नफरत करने वालों की, पुराने वाले अब चाहने लगे हैं मुझे। अब पीछे पीछे तुर्तिया पे मजिक। हाँ तो वही पेश किया है, जरा ध्यान से सुनिएगा। बाज की तरह उड़ना है ना, तो इन तितलियों का साथ छोड़ दो।